Hey, hello guys, how are you all? A greeting from Mr. R. So guys, आज हम बात करेंगे रिफंड गाइडलाइंस की. जो भी आपके एडमिशन फीस के लिए रिफंड का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करेंगे. और उससे पहले सभी को बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे चैनल पे आए हैं जहाँ पे केवल आपको ICSI या फिर CAS कंपनी सेक्रेटरी कोर्स रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाएगा ताकि आपको जो भी अपडेट आए, जो भी वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आए, राइट. और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, राइट. कोई क्वेश्चन रहता है CS कोर्स रिलेटेड, कहीं पर आप समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में ले सकते हैं. आई एल मेक श्योर दैट कि आई एल गिव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, राइट. सो अब बात करेंगे रिफंड गाइडलाइंस की. इंस्टीट्यूट ने आपके रिफंड के लिए क्या व्यवस्था की है. इंस्टीट्यूट ये बताता है कि जो भी आपकी फ़ीस होती है उसमें अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, वाइल रिजेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर द CS कोर्स आर एंड आर नॉट एलिजिबल, ठीक है. अगर इंस्टीट्यूट जो है किसी भी कैंडिडेट का जो है एप्लीकेशन जो है जो एडमिशन अप्लीकेशन होता है उसको रिजेक्ट करता है या फिर वो किसी भी केस में एलिजिबल नहीं हो पाता है, कभी स्टूडेंट को क्या हो जाता है कि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ जानकारी नहीं होने के कारण वो अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही फिल कर लेते हैं या फिर रॉन्ग फिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं CS को करने के लिए. तो उस केस में या तो वो ऑटोमेटिकली नॉट एलिजिबल में चले जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण, कुछ डॉक्यूमेंट इशू होने के कारण इंस्टीट्यूट आपके जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देता है, राइट. उस केस में जो है इंस्टीट्यूट जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेता है वो 500 रुपीज़ लेगा. जो भी आपकी CSEE की जो भी आपका अमाउंट है उसमें से 500 डिडक्ट होकर के. ये पुराना भी है, पहले भी ऐसे था जब फाउंडेशन प्रोग्राम था, पर अभी जो है फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं है, राइट. तो दोनों ही केस में अगर आप रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन तो आपको 500 कटेंगे, ठीक है. और आगे इंस्टीट्यूट आपको ये बताता है कि वंस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट नो पार्ट ऑफ द फीस इज रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है आप smash.icsi में जाकर अपना अकाउंट को देखेंगे तो आपका अकाउंट जो है अप्रूव शो करेगा, तो उसके बाद कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आपको अमाउंट कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा. एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल हो गया, आप उसके बाद करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं किसी भी केस में आपको इंस्टीट्यूट की ओर से कोई भी रिफंड नहीं हो पाएगा, ठीक है. बट इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर जो है आप एलिजिबल नहीं है या रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं हो पाता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर CS प्रोग्राम, सो आपको 500 रुपीज़ जो है डिडक्ट होगा, राइट. जो भी फीस होगी उसमें से 500 रुपीज़ आपको डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा दूसरा ये आपको इंस्टीट्यूट बताता है कि रिजेक्शन ऑफ द पेंडिंग एप्लीकेशन एंड डिडक्शन, ठीक है. सपोज दैट जो है कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग होता है. प्रीवियसली क्या होता था कि जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो 3 ईयर के लिए अप्लीकेबल होता था, ठीक है. सपोज दैट आपने 2017 में अपना रजिस्ट्रेशन किया फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, तो वो अगर आप 17 से जो है 20 के बीच में आराम से कर सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज विदिन 1 ईयर आप निकाल सकते हैं, बट किसी भी केस के कारण आप नहीं कर पाते हैं तो वो सेम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2020 तक भी वैलिड रहता है, राइट. तो अगर उस केस में फाउंडेशन केस में या फिर अगर CSEE के केस में भी लें, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है इंस्टीट्यूट ये बताता है कि जो 2232वीं जो काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि 30% ऑफ द फीस आउट ऑफ द एक्चुअल एडमिशन फीस पेड बाय द स्टूडेंट इन केस ऑफ एनी रिजेक्शन अप्लीकेशन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इज पेंडिंग फॉर वन देन मोर, ठीक है. तो कोई पेंडिंग रहता है, यहाँ पर रिजेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर रही पेंडिंग की, ठीक है. कि इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये आपको जो प्रॉब्लम है इसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट दीजिए, ठीक है. सपोज और क्या होता है, किसी में नाम का इशू होता है, राइट. किसी में जो है फादर के नाम का इशू रहता है, प्रॉपर जो है नहीं आता है, तो उस केस में जो है इंस्टीट्यूट जो है उसको रिजेक्ट करता है, वो पेंडिंग में चला जाता है. और स्टूडेंट अगर उसको कंटिन्यू नहीं करता है और विदिन 1 ईयर हो जाता है, राइट, तो 30% का डिडक्शन होगा, राइट. कंप्लीट वीडियो ये थी गाइस. आप मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.